हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र में नशे व अन्य मादक द्रव्य के प्रचलन को रोकने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है, ताकि युवा नशे की गिरफ्त में आकर बर्बाद न हो। इसी प्रयास में शिमला जिला के रामपुर बुशहर में बुशहर महोत्सव के नाम से एक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें ननखड़ी व रामपुर खंड के युवाओं व महिलाओं के लिए खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ करवाई गई, ताकि युवाओं को उनकी रुचि अनुसार विभिन्न प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ने का मौका मिले। इस दौरान लोक नृत्य, गायन, कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्साकसी एवं अन्य विभिन्न प्रतियोगिताओं में ग्रामीण युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आर्यवर्त एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा ऐसी प्रतिस्पर्धाएं करवाकर उनमें रुचि पैदा करने के साथ साथ प्रतिस्पर्धा की भावना तैयार करना है, जिससे युवा मादक पदार्थों के सेवन से बचकर अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्य में लगा सकें। बुधवार शाम आयोजित समापन अवसर पर हिमाचल प्रदेश के शिक्षा, भाषा, कला एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विजेता प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें पुरस्कृत किया और कहा कि आने वाले समय में इस उत्सव को भव्य रूप दिया जाना चाहिए, ताकि ऐसे आयोजनों से जहाँ युवाओं को साथ जोड़कर उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना और सोच तैयार किया जा सके, साथ ही संस्कृति को भी बचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, इस बार बुशहर महोत्सव आरंभ हुआ है और ये और आगे भी इसी प्रकार से चलता रहे, ताकि सारे रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग इसे मेले के रूप में मनाते रहें। एप्पल न्यूज़ के लिए रामपुर बुशहर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। लोकगीत है, लोक संस्कृति है, लोक नृत्य है, इन सबको जिंदा रखने में ये सबकी सब चीज़ों का बहुत महत्व रहता है, और इसलिए मैं तो ये कामना करता हूँ कि ये बुशहर महोत्सव एक बार प्रारंभ हुआ है, ये सदा इसी प्रकार से बनता रहे, ताकि पूरे रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग हमेशा इसको एक महोत्सव और एक मेले की भांति बनाते रहें, और गांव-गांव से महिलाएं, युवक मंडल सबके सब इसमें पार्टिसिपेट करते रहें। तो इसके लिए मैं इनकी सराहना करता हूँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में श्री जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे, और फिर हम इस बुशहर महोत्सव को सदा ऐसी भव्यता से बनाते रहेंगे। मैं कुल्लू मनाली का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सविता है, मैं ग्राम पंचायत से आई हूँ।